हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आज अपना जो टॉपिक है पीडियाट्रिक में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। टॉडलर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है और क्या क्या डेवलपमेंट होता है एक टॉडलर के अंदर। अब टॉडलर पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि टॉडलर की एज क्या होती है। जो टॉडलर की एज होती है वो होती है 1 ईयर टू 3 ईयर। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, लास्टली अपन ने डिस्कस किया था जब बर्थ से लेके वन ईयर का जब बच्चा हो जाता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसका वीडियो। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बर्थ टू 1 ईयर, यानी इन्फेंट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपन ने लास्टली डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। टॉडलर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? टॉडलर का मतलब होता है 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। टॉडलर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो उसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। ये कुछ पॉइंट्स है, 9 पॉइंट है, जो कि ये डेवलपमेंट देखने को अपने के अंदर अपने को मिलता है टॉडलर के अंदर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सेंसरी डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, साइकोसोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, टॉयलेट ट्रेनिंग और डेंटल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट है फिजिकल, सेंसरी, मोटर, साइकोसोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, टॉयलेट ट्रेनिंग और डेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक एक करके अपन इनको डिस्कस करेंगे, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, सेंसरी डेवलपमेंट में क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट, ऐसे कर करके अपन ये जो 9 पॉइंट है इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो टॉडलर का ये एक बार पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि टॉडलर के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, मोस्टली क्या क्या डेवलपमेंट होगा। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो फंक्शंस है बॉडी के वो करना डेवलप होंगी फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिर आता है मोर कैपेबल टू फाइट इन्फेक्शन, क्या होगा, जो टॉडलर होगा वो क्या होगा, मोर कैपेबल टू फाइट द इन्फेक्शन। जो भी बॉडी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन एंटर होगा उसके खिलाफ क्या होगा, मोर कैपेबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि जो भी कोई इन्फेक्शन आएगा उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है, टॉडलर डेवलपमेंट के अंदर। फिर आता है मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करने लग जाएगा, कौन, टॉडलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर पढ़ने से अपने को पता होना चाहिए, इससे पहले कि फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है, मोर कैपेबल टू फाइट इन्फेक्शंस, मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, मोर कैपेबल टू फाइट इन्फेक्शंस, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब एक एक करके अपन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंस है वो इंक्रीज होगा। हेड सरकमफेरेंस कब, एट बर्थ कितना होता है, और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब कितना होता है, टॉडलर का हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, वो अपन ने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स पढ़े थे, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर अपन ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो वो अगर आपने नई क्लास ली है तो वो अब इससे पहले वो क्लास लेना कंपलसरी है। ठीक है, फिर आता है हेड सरकमफेरेंस के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा,
हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, और जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, हाइट वेट, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर आता है इसके बाद, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट क्या क्या होता है। फिर हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा, चेस्ट सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी बच्चे की, और वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर फाउंटेनल्स आर क्लोज एट द एज ऑफ 12 to 18 months। जब बच्चा क्या हो जाएगा 12 से लेकर 18 मंथ का हो जाएगा, अपन जो कि क्या पढ़ रहे हैं 1 year से, यानी 12 मंथ से लेके अपन 3 year तक पढ़ रहे हैं, तो 12 से 18 मंथ के अंदर क्या होता है, जो एंटीरियर फाउंटेनल है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एंटीरियर फाउंटेनल क्या होता है, क्लोज हो जाता है, कब, 12 से लेके 18 मंथ तक, ठीक है, क्लोज, ठीक है। फिर इसके अलावा आता है बच्चा जो वेट है वो गेन करने लग जाता है 2 to 3 kg पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आता है टॉडलर के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। फिर आता है सेंसरी डेवलपमेंट, बच्चे का सेंसेशन कैसे डेवलप होता है। सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, जो बच्चा है उसके अंदर टेस्ट कैपेसिटी हो जाएगी, स्मेल की कैपेसिटी हो जाएगी, इसके अलावा जो विजन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा, जैसे टेस्ट का पता लगने लग जाएगा, स्मेल का पता लगने लग जाएगा, इसके अलावा विजन का भी पता लग जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा हियरिंग हो गया, टच हो गया, हियरिंग टच, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, सेंसरी डेवलपमेंट है, जो कि सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर होता है। फिर इसके बाद आता है सेंसरी डेवलपमेंट के बाद मोटार डेवलपमेंट, जो मोटार डेवलपमेंट है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। मोटार डेवलपमेंट, मोटार डेवलपमेंट कौन सा, मोटार डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कंडीशन क्या होगी, क्या होगी, वो कंट्रोल होगी। कैन ट्राई टू मसल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आवर बॉडी मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, मसल क्या हो जाएगी बच्चे की, कॉन्ट्रैक्ट करना लग जाएगी, और बॉडी मसल से वो कंट्रोल भी होने लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जब बच्चा कब कितना हो जाता है, 15 months का हो जाता है, दे कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, ये अपन ने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, जो उसके अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। 15 जो नॉर्मल असेसमेंट किया था अपन ने, असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके अंदर अपन ने पढ़ रखा है 15 months का जब बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा, कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट वॉक करने लग जाएगा। दे कैन ट्राई टू लर्न रन एट द एज ऑफ 18 months, 18 months में क्या हो जाएगा, ट्राई टू लर्न यानी कि याद करना भी, सॉरी ट्राई टू रन यानी चलना भी सीख जाएगा, फास्टली दौड़ना भी लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है बाय द एज ऑफ 2 years दे कैन रन विद द वाइड डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जब बच्चा कितना हो जाएगा 2 years का, तो वो क्या हो जाएगा, सीढ़ियाँ भी अप एंड डाउन चढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दे कैन जंप एट द एज ऑफ 2.5 years, जब बच्चा 2.5 साल का हो जाएगा तो क्या करने लग जाएगा, जंप भी करने लग जाएगा। फिर आता है जंप करने लग जाता है 2.5 years पे, जंप करने लग जाएगा। इसके अलावा भी अपन ने क्या देखा, 18 months का होगा, सॉरी 15 months पे क्या हो जाएगा, वॉक विदाउट सपोर्ट, 15 months पे वॉक विदाउट सपोर्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा आता है नेक्स्ट 18 months पे क्या हो रहा है, लर्न रन एट द एज ऑफ रन, 18 months पे क्या हो रहा है, रन करने लग रहा है बच्चा। फिर आता है इसके बाद 2.5 years पे जंप, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद आता है राइडिंग ट्राईसाइकिल, राइडिंग ट्राईसाइकिल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चा कौन सी एज के अंदर राइडिंग
करने लग जाता है, तो वो आता है 1 to 3 ईयर टॉडलर जो का टॉडलर जो एज होती है उसके अंदर बच्चा ट्राईसाइकिल चलाने लग जाता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जब बच्चा 24 मंथ्स का हो जाता है तब क्या करने लग जाता है, टावर 6 to, जब बच्चा कितना हो जाता है 18 मंथ का तब क्या करने लग जाता है, वो मेक करने लग जाता है टावर, जैसे 6 to 7 ब्लॉक्स का मेक टावर। बच्चा जब प्ले करता है तब क्या करने लग जाता है, 6 से 7 ब्लॉक का जो टावर है वो बनाने लग जाता है। फिर आता है इसके बाद मोटर डेवलपमेंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्लेइंग ड्रेसिंग फीडिंग एक्सेट्रा। मोटर डेवलपमेंट का कब पता लगता है, जब बच्चा करने लग जाता है प्लेइंग ड्रेसिंग एंड फीडिंग, ठीक है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आल्सो इंक्रीज, स्टमक कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज एंड हैव अ मील ऑफ 3 times a day। बच्चा क्या करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है 3 meals a day, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी भी हो जाती है और इसके अलावा 3 times के अंदर भी बच्चा खाने लग जाता है, 3 बार एक दिन के अंदर खाना भी खाने लग जाता है। तो यह है मोटर डेवलपमेंट। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है 2.5 ईयर पे, बच्चा जंप करने लग जाता है 15 मंथ पे, वॉक विदाउट सपोर्ट 18 मंथ पे, रन करने लग जाता है राइडिंग ट्राईसाइकिल, टॉडलर की जो एज होती है उसके अंदर राइडिंग ट्राईसाइकिल 18 मंथ पे, 6 to 7 ब्लॉक्स का जो टावर है वो बनाने लग जाता है। और जो मोटर डेवलपमेंट है वो उसका पता कहाँ से लगता है, प्लेइंग करता है जब, ड्रेसिंग करता है और फीडिंग करता है, ठीक है। फिर आता है 3 meals a day, एक दिन के अंदर 3 बार मील भी करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है, ठीक है। ये हो गया मोटर डेवलपमेंट। अब आता है मोटर डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट है अपना, अपने फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, सेंसरी कंप्लीट हुआ और मोटर कंप्लीट हुआ। अब आता है साइकोसोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, टॉडलर कैन एक्सप्रेस देयर इमोशन स्ट्रॉन्गली। जो अब आता है साइकोसोशल डेवलपमेंट के अंदर एक्सप्रेस इमोशंस स्ट्रॉन्गली, जो इमोशंस है वो स्ट्रॉन्गली शो करने लग जाता है, एक्सप्रेस करने लग जाता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जो टॉडलर के अंदर जो साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जो वोकेबलरी है उसके अंदर क्या हो जाता है, 9 वर्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है। वोकेबलरी के अंदर क्या हो जाता है, जो 9 वर्ड है वो भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। बच्चा नौ मतलब एक वोकेबलरी होती है बच्चे की, जो बोलने की कैपेसिटी है उसके अंदर वोकेबलरी है, उसके अंदर जो 9 वर्ड है बच्चा मना करने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक वोकेबलरी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिर आता है इसके बाद दे मे गेट एंग्री इफ़ दे आर ट्राई टू मैनिपुलेट देयर एक्टिविटी। बच्चा क्या करने लग जाता है, गेट एंग्री भी होने लग जाता है, गेट एंग्री, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेम्पर टेंट्रम आर कॉमन। जो टेम्पर टेंट्रम है वो कौन सी एज में देखने को मिलता है, टॉडलर की एज में, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेम्पर टेंट्रम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दे हैव सडन चेंजेस बिहेवियर इफ डिफिकल्ट टू पेरेंट हाउ टू मैनेज इट। जो बच्चे का जो टेम वो है बिहेवियर है वो भी क्या सडन चेंज होने लग जाता है, सडन चेंज इन इन बिहेवियर, ठीक है। फिर इस ये कंप्लीट होता है साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब आता है इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या होने लग जाएगा, फर्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में टॉडलर ग्रेजुअली लर्न थ्रू द ट्रायल एंड एरर मेथड टू गेट रिजल्ट। बच्चा क्या सीखने लग जाता है, कॉग्निटिव, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर, 2 वर्ड है यहाँ पर, ट्रायल एरर, बच्चा करता है और सीखता है, बच्चा कोई भी चीज़ करता है और सीखता है, मतलब गलतियाँ भी करता है, एरर भी करता है और सीखता है।
तो वो किसके अंदर आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न द नेम एंड यूजेज ऑफ द बॉडी पार्ट। बच्चा क्या करने लग जाता है? नेम जानने लग जाता है बॉडी पे, बॉडी पार्ट्स के, ठीक है। और बच्चा जो अपना नाम है वो भी ना जानने लग जाता है। फिर आता है इसके बाद, दे ऑल्सो फाइंड टू ट्राई सर्टेन बॉडी पार्ट्स एंड प्लेजर, ठीक है। इन दिस पीरियड टॉडलर नीड थ्री एरियाज फॉर मोर अटेंशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तीन चीज है इस एज के अंदर टॉडलर के डेवलपमेंट में, कौन से में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फर्स्ट आता है कंट्रोल आवर बॉडी फंक्शंस स्पेशली यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। क्या कंट्रोल करने लग जाता है? फर्स्ट है यूरिनेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, डिफिकेशन, ठीक है। इस पे क्या करने लग जाता है? कंट्रोल। सेकंड है इसके बाद कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ये मोस्टली तीन डेवलपमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहला है यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। फिर आता है लर्निंग द सोशल नॉर्म्स, लर्निंग सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स है उनको भी लर्न करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू कॉग्निटिव जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो होता है। बॉडी पार्ट्स के नेम जानने लग जाता है, अपना नेम जानने लग जाता है, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन पे कंट्रोल करने लग जाता है, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के ऊपर भी डेवलपमेंट हो जाता है, और जो सोशल नॉर्म्स है वो भी जानने लग जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आता है इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो वोकेबलरी है, उसका डेवलपमेंट भी कैसे होता है, क्या होता है, कब क्या क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा? जो टॉडलर होगा एबल टू अंडरस्टैंड अदर, जो अदर है उनको भी अंडरस्टैंड करने लग जाएगा, एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है। फिर आता है इसके बाद दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज इन वर्ड्स, एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स इन देयर वर्ड्स, इन देयर वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करने लग जाता है आइडियाज और फीलिंग्स को, ठीक है। फिर आता है इसके बाद द मदर वॉइस टोन एंड द गेस्चर हेल्प्स द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। इन द बिगनिंग दे कैन मे गेट प्लेजर विद द टॉकिंग, स्टार्टिंग में क्या प्लेजर करता है? वो टॉकिंग से प्लेजर शो करता है। फिर आता है दे नो अबाउट 900 वर्ड्स, नो 900 वर्ड्स, बच्चा कौन सी एज के अंदर 900 वर्ड्स है वो जानने लग जाता है, कौन सी एज में? टॉडलर। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है इसके बाद टेल द हिस्ट्री ऑफ द एज ऑफ 3 ईयर, बच्चा क्या करने लग जाता है? हिस्ट्री भी बताने लग जाता है, सॉरी, हाँ, टेल द हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। फिर आता है इसके बाद दे कैन स्पीक 2 to 3 वर्ड सेंटेंस एट द एज ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर की एज पे, 2 ईयर की एज पे क्या करने लग जाता है? जो 2 से लेके 3 वर्ड का जो सेंटेंस है वो भी क्या करने लग जाता है? स्पीक करने लग जाता है, ठीक है, 2 to 3 वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है वो देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है प्ले अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड द टॉडलर फॉर द सोशलाइजेशन। प्ले है यानी खेल, जो खेलने का डेवलपमेंट है वो किससे, जो सोशल डेवलपमेंट है वो किससे होता है? खेलने से, यानी वो जब सोसाइटी के अंदर बच्चों से खेलेगा तो उसका क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होगा। फिर आता है
टॉडलर एक्सेप्ट द सोशल बिहेवियर फ्रॉम द सोसाइटी. क्या 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 डेवलपमेंट होता है जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है वो कहाँ से डेवलप करता है, सोसाइटी से डेवलप करता है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, दे लर्न द सोशल नॉर्म्स फ्रॉम द पेरेंट्स. सोशल नॉर्म्स को भी लर्न करता है कहाँ से, पेरेंट्स से लर्न करता है, पेरेंट्स टू पेरेंट्स. ठीक है, तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, बच्चा जब खेलता है तब सोसाइटी के बारे में जानता है और सोशल बिहेवियर को भी जानने लग जाता है और सोशल नॉर्म्स को भी डेवलपमेंट कर लेता है, डेवलप कर लेता है किसके अंदर, पेरेंट्स के थ्रू. ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ सोशल डेवलपमेंट. अब आता है इसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग. टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या है, कंट्रोल द यूरिनेशन एंड डिफिकेशन इन द टू पर्सनल फेजेज ऑफ द टॉडलर. टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, डिफिकेशन डेवलपमेंट भी हो जाएगा, जो यूरिनेशन और डिफिकेशन का जो कंट्रोल है उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, फिर आता है इसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड अराउंड द एज ऑफ 18 मंथ. कब स्टार्ट कर देनी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग 18 मंथ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए. ठीक है, कौन सी एज पे, 18 मंथ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, 18 मंथ पे. फिर आता है दे शुड बी टॉट अप्रोप्रिएट प्लेस टाइम फॉर द एक्सक्रीट द यूरिन एंड फीसेस. एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही यूरिनेट या डिफिकेशन करना है, ये भी टॉट कर देना है, बच्चे को बता देना है, सिखाना है. ठीक है, फिर आता है द टॉडलर कैन अचीव द वॉलेंट्री एंड द एनल स्फिंक्टर बिटवीन द 18 to 24 एज. जो मंथ है 18 से 24 मंथ की जो एज है उस पर किसका, यूरेथ्रल और एनल का जो स्फिंक्टर है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने लग जाता है. यूरेथ्रल और एनल जो स्फिंक्टर होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है. कौन सी एज पे, 18 से लेके 24 मंथ. कौन सी, 18 से 24 मंथ किसका कंट्रोल हो जाता है, एनल और यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, फिर आता है इसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग इलनेस. जब बच्चा क्या है, बीमार है, इलनेस है, तब क्या करना है, जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो क्या करनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग क्या करनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग जब बच्चा क्या है, बीमार है. ठीक है, तो ये होता है सोशल, सॉरी टॉयलेट ट्रेनिंग डेवलपमेंट. अब आता है लास्ट, डेंटल डेवलपमेंट. डेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे के अंदर जो टीथ का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है. ठीक है, लास्ट अपना डेंटल डेवलपमेंट. डेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर आता है ओरल हाइजीन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द नियोनेटल पीरियड. डेंटल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले आपने को जो इम्पोर्टेंट रखना है वो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है. कब कर देनी है, जब बच्चा क्या है, नियोनेट है, उसी एज के अंदर क्या कर देनी चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए. द पेरेंट शुड एक्सप्लेन द टॉडलर फॉर द क्लीन द टीथ. एक्सप्लेन करना है क्या, कि क्लीन रखना है टीथ को. ठीक है, फिर आता है इसके बाद टॉडलर कैन पार्टिसिपेट विद ब्रशिंग. द चिल्ड्रन ब्रश शुड बी राउंडेड शॉर्ट एंड शार्प. जो बच्चे की जो ब्रश है वो कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए. फिर आता है द टॉडलर सी डेंटिस्ट एट लीस्ट. द टॉडलर सी डेंटिस्ट एट लीस्ट वन टाइम्स आफ्टर द प्राइमरी टीथ इरप्शन. जब प्राइमरी टीथ इरप्शन होने लग जाते हैं, प्राइमरी टीथ इरप्शन, जब प्राइमरी टीथ का इरप्शन होने लग जाता है तब एटलीस्ट वन टाइम आफ्टर द प्राइमरी टीथ इरप्शन, यानी एक बार जब प्राइमरी टीथ इरप्शन होने लग जाते हैं, जब एटलीस्ट एक बार तो कम से कम डेंटिशियन के पास जाना चाहिए. डेंटिशियन से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए जब प्राइमरी टीथ का इरप्शन होता है.
ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए टॉडलर। जो टॉडलर का डेवलपमेंट है, टॉडलर का डेवलपमेंट यानी 1 to 3 ईयर ये कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक अपने को। मोस्टली ये क्या याद रखना है अपने को, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सेंसरी डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, साइकोसोशियल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, टॉयलेट ट्रेनिंग और डेंटल डेवलपमेंट। फिर इनके बारे में अपने को नाम से, अगर अपने को ये नाम पता है तो अपन इनके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। टॉडलर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है और कब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक न्यूज़ और आपके लिए, अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम पेज का, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।